हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो के अंदर हम असाइनमेंट ऑपरेटर को डिस्कस करने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर होते क्या हैं, और साथ ही में हम ये भी देखेंगे कि क्यों इनको यूज़ किया जाता है और प्रोग्राम में हम इसको कैसे यूज़ करेंगे। उसके लिए हम एक प्रोग्राम भी राइट करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले असाइनमेंट ऑपरेटर को ही डिस्कस कर लेते हैं कि ये होते क्या हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर आर यूज टू असाइन द वैल्यू और ऑपरेंड्स ऑन द वेरिएबल। असाइनमेंट ऑपरेटर जो होता है, एक ऐसा ऑपरेटर होता है जिसका यूज़ हम प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल के अंदर वैल्यूज़ को स्टोर करवाने के लिए करते हैं, या फिर आप किसी ऑपरेंड्स को असाइन करना चाहते हैं प्रोग्राम के अंदर, तो उसके लिए आप असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप किसी प्रोग्राम के अंदर किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, तो ही आप उस वेरिएबल में वैल्यूज़ को असाइन कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। टू टाइप्स के आपके असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं। फर्स्ट, सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसके अंदर इक्वल ऑपरेटर आता है। नेक्स्ट आता है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, जो कि कलेक्शन होता है अर्थमेटिक एंड असाइनमेंट ऑपरेटर का, जिसके अंदर वेरियस ऑपरेटर आते हैं, प्लस इक्वल मतलब कि एड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट आता है माइनस इक्वल, इसको हम सब्ट्रैक्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर कह सकते हैं। और इसी तरह से डिवाइड इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल और मॉड्यूलर इक्वल आते हैं। इन सभी को हम प्रोग्राम के अंदर इजीली यूज़ कर सकते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके थ्रू आप प्रोग्राम के अंदर शॉर्ट वे के अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। फिर आप किसी वेरिएबल की वैल्यूज़ को और इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके शॉर्ट वे के अंदर उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आता है आपका सिंटैक्स। असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ करने का सिंटैक्स है, जिसके अंदर आप सबसे पहले डेटा टाइप को यूज़ करेंगे, और फिर आपका जो वेरिएबल होगा उसका नेम होगा, और फिर आपका असाइनमेंट ऑपरेटर आएगा, फिर आप उस वेरिएबल में वैल्यूज़ को असाइन कर सकते हैं इस ऑपरेटर के थ्रू। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इंट ए इक्वल 10, यहाँ पे ये डेटा टाइप हो गया, और ये ए जो आपका वेरिएबल नेम हो गया, और यहाँ पे आपका इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर है, और फिर आपने जो भी वैल्यू आप उसमें असाइन करना चाहते हैं वो इजीली असाइन कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारा कंपाउंड ऑपरेटर को हम देखेंगे कि कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर को आप कैसे प्रोग्राम के अंदर यूज़ करेंगे, उसको हम टेबल के थ्रू समझेंगे। तो फर्स्ट आता है आपका ऑपरेटर एड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, उसका एग्जाम्पल होगा ए प्लस इक्वल 10। मतलब कि जब भी आप प्रोग्राम के अंदर ए इक्वल ए प्लस 10 लिखते हैं, उसको सिंपली आप उसको ए प्लस इक्वल 10 भी लिख सकते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके। क्लियर? उसमें भी जो उसका a इक्वल ए प्लस 10 का जो रिजल्ट आएगा, वही रिजल्ट आपके a प्लस इक्वल 10 का आएगा। मतलब कि यहाँ पे जो a है, इसके अंदर आपने 15 को असाइन कर रखा है, और फिर आप उस वेरिएबल की वैल्यू को और ज़्यादा इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप प्लस 10 कर रहे हैं, तो आपका रिजल्ट 25 आ रहा है, तो उसको आप शॉर्ट वे के अंदर a प्लस इक्वल 10 भी लिख सकते हैं। इसका रिजल्ट भी 25 आएगा। अगर आप किसी वेरिएबल की वैल्यू को और भी इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, तो आप सिंपली शॉर्ट वे में ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर? इसी तरह से आप माइनस इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल और डिवाइड इक्वल का यूज़ कर सकते हैं प्रोग्राम के अंदर। क्लियर? अब हम एक छोटा सा प्रोग्राम करके देखेंगे, उसके थ्रू हम समझेंगे कि कैसे असाइनमेंट ऑपरेटर को प्रोग्राम के अंदर यूज़ किया जाता है। प्रोग्राम के अंदर सबसे पहले हम वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे, तो उसके लिए हमने इंटीजर टाइप का ई नेम का वेरिएबल बनाया है, और इस वेरिएबल के अंदर हम वैल्यू को स्टोर करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करना होगा, तो ही हम वेरिएबल में वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। क्लियर? अगर आप विदाउट असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके अगर आप कोई वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हैं, तो वो नहीं कर सकते हैं। जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, रेड मार्क शो हो रहा है, मतलब कि यहाँ पर एरर है। तो इसीलिए हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। विदाउट असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके आप वेरिएबल में वैल्यू असाइन नहीं कर सकते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे हम cout का यूज़ करके जो भी हमने वेरिएबल में वैल्यू असाइन करी है, उसको हम वापस प्रिंट करवाएंगे, तो उसके लिए हमने a को वापस लिया है, और फिर यहाँ पे हम सेव करके इसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो जैसा कि आपको पता है यहाँ पे 10 प्रिंट होगा। क्लियर? तो हमको यहाँ पे ये समझ में आ गया है कि असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ हम वेरिएबल के अंदर वैल्यू को असाइन करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर को आप कैसे यूज़ करेंगे प्रोग्राम के अंदर। जैसा कि आपको पता है, अगर आप किसी वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, जो कि आपका कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है। उसको आप यूज़ करके आप वेरिएबल की वैल्यू के अंदर और कुछ ऐड करना चाहते हैं, या सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई, जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहते हैं, वो ईजिली परफॉर्म करवा सकते हैं शॉर्ट वे के अंदर। क्लियर? जैसे कि यहाँ पर ए, और अगर आप किसी वैल्यू को ऐड करना चाहते हो, तो आप जो आपका प्लस ऑपरेटर है उसको यूज़ करेंगे, और फिर यहाँ पे
इक्वल जो असाइनमेंट ऑपरेटर उसको यूज़ करके आपकी जो भी वैल्यू है आप उसको यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। और फिर आप उसको सेव करके एग्जीक्यूट करेंगे तो आपका जो 40 प्लस 10 जो 50 प्रिंट होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे 50 प्रिंट हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ करके आप सिंपल वे के अंदर आपके वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आप विदाउट कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके अगर इसमें कुछ इंक्रीज करना चाहते हैं तो उसको आप इस तरह से लिखेंगे, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसमें आपको पूरा लिखना होगा, यहाँ पर मैं 40 और इसकी यहाँ पे इसको क्लोज करके और इसको सेव करके एग्जीक्यूट करेंगे तो सेम जो हमारा जो 40 जो 50 हमारा रिजल्ट आया था वही रिजल्ट आएगा, बस करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आप ऑपरेटर को यूज़ करके और आपका प्रोग्राम इजीली कर सकते हैं। आपको सिंपली समझ में आ गया होगा कि असाइनमेंट ऑपरेटर होते क्या हैं और कैसे आप असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ करके प्रोग्राम राइट करेंगे, क्लियर।